हेलो फ्रेंड्स, आज ट्यूटोरियल रे आम कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन रो क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, जोटा कि आपनकर एग्जाम टाइम रे बहुत हेल्पफुल करिबो। देखंतु प्रथम क्वेश्चन, जदि दुई संख्या दुई अनुपात तीन रे अछंती, जदि मानकर जगफल 125 हुए ताले दुई संख्या ज्ञात कर, से दुईटा संख्या केते हेबो। क्वेश्चन कोन दैछि, जदि दुई संख्या रो अनुपात 2 अनुपात 3 रे अछंती, जदि मानकर जगफल 1 2 5 हुए ताहले दुई संख्या ज्ञात करो। आम क्वेश्चन को सॉल्व केमती करिबा, देखंतु फर्स्ट कोन करे अनुपात रे केते अछंती, 2:3 रे अछंती, ठीक है, 2:3 रे अछंती। आम कोन करि परिबा, देखंतु दुई मानक जगफल केते 125, मानक जगफल होछि 125। गोटे संख्या जदि आपनको 2 हला, आ गोटे संख्या आम x 2x + 3x कर देबा, इज इक्वल टू केते 125। तापर केते हबा आपनको एटा 5x जे मिसि गले इज इक्वल टू 125। तापर आप एक्स इज इक्वल टू 125 बाय केते 5 हेले आप 25 हो गला, गोटे आपंकर गोटे इज 25। तापर आम कौन करवा 2/3 मान कौन ये 25 गुण करवा, ये 25 गुण करवा के 25 दुगुण 50 इज टू आपंकर 75, मैंने 50 गोटे संख्या 50 आ गोटे संख्या होगी 75। जदि आप क्वेश्चन माग कौन माग, छोट संख्या ज्ञात कर आ बड़ संख्या ज्ञात कर, आम छोट संख्या कौन हम, छोट संख्या 50 हो बड़ संख्या 75 होदि आपन को मागिला, छोट संख्या और बड़ संख्या मध्य अंतर केते आम कही पार, आप 50 और 75 रु माइनस करदे, 75 जब आम 50 माइनस कर दौ आप 25 मान अंतर हो 25, ठीक अच्छे। क्वेश्चन आप तीन प्रकार क्वेश्चन बनब, गोटे आप मागर अंतर केते, सबुठ बड़ संख्या कौन आ सबुठ छोट संख्या कौन, ठीक अच्छे, बुझेगा आप कौन करेंगे आउ थे कहीदे। देखते आम करवा आप 2 गोटे देखिए गोटे 3 देखिए, मैंने आम गोटे 2x आ गोटे 3x, आम एक्स न ना भी चलो कि आम जानापी एक्स नहीं जाऊँगी प्लस 3x जी गोटे के 125 कहीं आप जगफल देखिए, ठीक अच्छे, जगफल देखिए बुझे मानक जगफल 125 मैंने 2x आ 3x मिसले 5x हो 5x गोटे 125 एक्स जी गोल्ड आपण 125 बाय 5। तापर 5 कटे के 25 कटुची, गोटे 25 है आप 25 दुगुण के 50 आ 25 3 75 बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जदि दुई संख्यार जगफल एवं मानक अंतर अनुपात 5:1 है, बड़ संख्या और छोट संख्या ज्ञात कर। क्वेश्चन कौन देखिए, देखो दुई संख्यार जगफल देखिए आप जगफल मानक अंतर, जगफल अंतर मान कौन, जगफल अंतर मान जगफल देखिए यहाँ मानक अंतर मान गोटे हूँ जगफल 5 हो अंतर मान 1 हो, मान जगफल अनुपात के 5 आ अंतर अनुपात अनुपात के अंतर अनुपात के ओब्वियसली 1 देखिए। आम कौन कर देखो, आम क्या क्या मिसाइले, ठीक अच्छे, क्या क्या मिसाइले आप जगफल 5 हे आमर ताकि काटिले आप 1 हम अंतर। देखो आम ये आम नहीं पार 3 जी नहीं पार 3 आ 2 को आम ना 3 2 को ने आप 3+2 है 5 हो जाकर 3-2 है 1 हो, ठीक अच्छे, आपंकर आंसर कौन हम गोटे 3 आ गोटे 2 किंतु आपन को दे थी ऑप्शन दे थी 5:1 5:1 2 नंबर ऑप्शन दे थी 2:3 3 नंबर ऑप्शन दे थी 4:1 चार नंबर चार ऑप्शन देखिए आप 3:2 आंसर हो 4 नंबर होगी राइट आंसर। जब आम यही प्रथम को द्वितीय को मिसाऊ तो आप जगफल हो 5 हो जाऊँगी, आम अंतर कर अंतर मैंने डिफरेन्स डिफरेन्स मैंने 1 हो, ठीक अच्छे, यहाँ हूँ 1 मैंने आंसर हो आप 3:2। जब आप ऊपर संख्या मागिले मैंने बड़ संख्या मागिले आप 3 हे आउ छोट संख्या मागिले आप 2 हे बुझेगा, आराम से करें और अंतर तो देखिए आप 1 र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुई संख्यार अनुपात 4:7 तथा मान जगफल 1331 हेल्ले छोट संख्या ज्ञात करूँ। क्वेश्चन कौन दे दुई संख्यार अनुपात 4:7 दे, ठीक अच्छे, और जगफल के जगफल 1331 तेल क्वेश्चन देखिए कौन छोट संख्या ज्ञात कर। आम कौन कर देखो, जितेबले आपन को मागे जोटा छोट संख्या हूँ 4 आ बड़ संख्या हूँ 7, आम कौन कर ट्रिक मन रखु जितेबले एमती क्वेश्चन देखिए आम कौन कर 7 और 4 को मिसाइद के 7 4 मिसले 11, आम कौन कर छोट संख्या मागिले 4/11 करवा इंटु 1331, तापर आप बड़ संख्या मागिले 7/11 इंटु 131 बुझेगा केमती करेंगे, जो छोट संख्या मागिले ऊपर छोट संख्या हम आ ते तार जो मिसाइल मिसला पर रि बड़ संख्या मागिले आप बड़ संख्या 7 मैंने 7/11 करदे 11 कहीं लिखुँ आम 7 और 4 मिसले 11 हो जाए,
ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ କାଟିଲେ କେତେ 1331କୁ ଏମିତି କାଟିବା 11ରେ କେତେ କଟିବ ଆପଣଙ୍କର 11 କି 11, ତାପରେ ଆପଣ କେତେ କଟିଲେ 1311 କଲେ ଆପଣଙ୍କ 2 23, ତାପରେ 11 2 22 ଠିକ ଅଛି 1 11, ମାନେ ଏଠି ଆପଣ କେତେ ହେଉଛି 1 କଲେ ପୁଣି 11 121, 121 ଆଉ 4 ଗୁଣ କଲେ କେତେ 184 ଆନ୍ସର୍, ଏଇଟା 484 ହେବ, 484 ହେବ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ 484 ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କ 484 ହେଉଛି ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ଆମେ 121 7 ଗୁଣ କରିଦେବା, 121 7 ଗୁଣ କଲେ 7 14, 7 × 7 = 847 ଆନ୍ସର୍, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 847 ହେଇଯିବ ଆଉ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା 484 ହେଇଯିବ, 484 ଦୁଇଜଣ ମିଶେଇବା ପୁଣି 131 1331 ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା ଆମକୁ କେମିତି କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ମାଗୁଛି ଆପଣ ଛୋଟ ସହିତ ମଲ୍ଟି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମିଶେଇଲା ପରେ ହେବ ଇଣ୍ଟୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପୁଅ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 3:2, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁଅମାନଙ୍କଠୁ 500 ଜ୍ୟାଦା ଅଟେ, ତାହେଲେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାତ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 3:2 ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନା ପୁଅମାନଙ୍କଠୁ 500 ଜ୍ୟାଦା ଅଟେ, ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ହେଲେ 3:2 ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହେବେ, ଏଇଟା ପୁଅ, ଏଇଟା ପୁଅ ହେଲେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାତ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କେମିତି କରିବା, 3 ଆଉ 2 ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, 3 ଆଉ 2 ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି 1, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ 1 ଇଜୁଲୁ କେତେ, 1 ଇଜୁଲୁ 500 ଜ୍ୟାଦା, ମାନେ 500 ଜ୍ୟାଦା ଅଛନ୍ତି 500। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅ ମାଗିଲେ ଆପଣ କେତେ ହେବ, ଝିଅ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 5 3 1500, ପୁଅ ମାଗିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ, ପୁଅ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 1000। ବୁଝିହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ 500 ଜ୍ୟାଦା ହେବେ, ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଆପଣ 3 ଆଉ 2 ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, 1 ରହୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଅ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ 1000 ଆଉ ଝିଅ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1500। ଆରାମସେ କରିପାରିବେ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଅଛି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।